Hello student, how are you all? In my last video of control and coordination, I have discussed about the structure of neuron and the function. We know that the structural and functional unit of nervous system is neuron. Neuron are the cells, specialized cells in nervous system which carries nerve impulse. Nerve impulse kya hota hai? Neuron ke andar se जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है एक्चुअली न्यूरॉन के एक्सन और डेंड्रॉन के मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है फ्रॉम -70 mV टू +40 mV इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है नर्व इंपल्स So in this video, we will discuss about the types of neuron. Functional type According to the function, we had already divided neuron into three groups. Sensory neuron, motor neuron and relay और एडजस्टर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन एंड रिले और एडजस्टर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन कथा हम लोग पढ़े थे सेंसरी न्यूरॉन कैरीज नर्व इंपल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि सेंसरी न्यूरॉन जो होता है रिसेप्टर से नर्व इंपल्स को रिसीव करके ले जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास और मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स को लेके आता है इफेक्टर के पास व्हाट इज रिले न्यूरॉन रिले न्यूरॉन जो होता है दैट कनेक्ट्स द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन ये सेंसरी न्यूरॉन होता है जो कि इफेक्टर से नर्व इंपल्स को कैरी करके लेके आता है सीएनएस के पास और सीएनएस से नर्व इंपल्स को कैरी करके फिर रिसेप्टर से लाता है और इफेक्टर के पास लेके आता है मोटर न्यूरॉन अब सीएनएस के अंदर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाला जो नर्व होता है जो न्यूरॉन होता है उसको कहा जाता है रिले न्यूरॉन और एडजस्टर न्यूरॉन So these are the functional types of neuron already we have discussed. Now according to the structure, there are five types of neurons are there according to the structure. These are the five types of neuron according to the structure. This is apolar, this is unipolar, this is bipolar, this is multipolar, and this is pseudo unipolar. According to the structure कि न्यूरॉन के पास कितना प्रोसेस प्रेजेंट है कितना एक्सन और कितना डेंड्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर बेस करके न्यूरॉन को पांच ग्रुप में बांटा गया है अपोलर न्यूरॉन फिलामेंट किसी तरह का डेंड्रॉन या एक्सन प्रेजेंट नहीं होता है यूनिपोलर न्यूरॉन इन लोगों में एक ही एक्सन या एक ही डेंड्रॉन प्रेजेंट होता है इसको है इसलिए यूनिपोलर बाइपोलर एक डेंड्रॉन एक एक्सन So, they are called bipolar, यानी कि दो पोल होता है
और मल्टीपुलर बहुत सारे डेंड्रॉन, मल्टीपल डेंड्रॉन्स एंड वन एक्सन इज प्रेजेंट इन मल्टीपुलर न्यूरॉन्स। स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में एक्चुअली क्या होता है, इसमें दो पोल होता है, एक डेंड्रॉन होता है और एक एक्सन होता है। ये जो है ये डेंड्रॉन है, ये जो है ये एक्सन है, लेकिन यहां पे देखने में लग रहा है कि एक ही प्रोसेस है। तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में हम लोग दो पोल को अलग अलग तरह से पहचान नहीं पाते, इसकी वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो मतलब होता है हिडन। सो दिस आर द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। अब नर्वस सिस्टम बनाने में न्यूरॉन के साथ साथ और एक एक्सेसरी सेल्स होता है, क्योंकि न्यूरॉन का जो पॉपुलेशन होता है नर्वस सिस्टम के अंदर उससे लगभग 90% अधिक मात्रा में होता है, उसको कहा जाता है न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स दिस आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, सॉरी नॉट फंक्शनल, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड हेल्पिंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड हेल्पिंग यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। How is neuroglial cells help in formation of nervous system and how they assist neurons? Actually, neuroglial cell होता है, they provide nutrition to neurons. ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द न्यूरॉन्स। ओके, दे एक्ट एज फैगोसाइटिक सेल, दे एक्ट एज फैगोसाइटिक सेल, यानी कि अगर नर्वस सिस्टम में कोई पैथोजेनिक अटैक हुआ, बैक्टीरिया वायरस या फंगस का एंट्री हो गया, तो ये लोग डब्ल्यूबीसी जैसा काम करता है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देता है या किल कर देता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ न्यूरॉन, इफ न्यूरॉन्स आर डैमेज्ड, इट कैन एक्ट एज न्यूरॉन। इन एब्सेंस ऑफ न्यूरॉन एक्ट एज न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन जैसे उतना स्पेशल काम तो नहीं कर पाता है हर्मिपस प्रोपगेशन का, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं भी न्यूक्लियस का काम जहां पे नहीं हो पाता या डैमेज हो चुका है, वहां पे नर्वस सिस्टम को एज ए हेल्पर न्यूरोग्लिया सेल काम कर देता है। ओके, सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। अब न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन फिर से एक बार देख लो, न्यूरोग्लियल सेल्स जो न्यूरॉन छोड़ के और जो एक्सेसरी सेल्स होता है, जो कि लगभग 90% पॉपुलेशन होता है नर्वस सिस्टम का, जो सेल होता है उसका 90% पॉपुलेशन होता है, यानी कि न्यूरॉन से कई गुना अधिक मात्रा में रहता है न्यूरोग्लिया, जिसका काम होता है न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूरॉन्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना और न्यूरॉन के एब्सेंस में न्यूरॉन का काम कर देना। अब ये न्यूरोग्लिया जो सेल्स होता है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके तीन तरह का हो सकता है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लियल्स आर प्रेजेंट इन आवर नर्वस सिस्टम, एस्ट्रोसाइट, यानी कि न्यूरोग्लिया जो कि स्टार शेप्ड, ओलिगो डेंड्रोग्लिया विथ फ्यू
प्रोसेस एंड माइक्रोग्लिया स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स. सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर न्यूरोग्लिया तीन तरह का हो सकता है. न्यूरोग्लिया का स्ट्रक्चर लगभग स्टार शेप्ड होता है. सो ये है न्यूरोग्लिया. एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोग्लिया एंड माइक्रोग्लिया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट साइनैप्स. मींस इफ द क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड, if the question arises in anyone's mind that how nerve impulse is propagated from one neuron to another neuron from one neuron to its next neuron. Actually neuron kya hota hai, neuron is a chain formation karke rehta hai nervous system. And जो न्यूरॉन का जो नेटवर्क होता है, न्यूरॉन का जो चेन होता है, उसमें यूनिडायरेक्शनली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता रहता है. न्यूरॉन के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. न्यूरॉन या चेन ऑफ न्यूरॉन्स या कैस्केड ऑफ न्यूरॉन्स ऑलवेज कैरी यूनिडायरेक्शनल नर्व इंपल्स, यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. सो हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोड, इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड फ्रॉम वन न्यूरोन टू अदर न्यूरोन, ये अगर जानना है तो हम लोगों को साइनेप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. व्हाट इज साइनेप्स? द माइक्रोस्कोपिक गैप between the endings of two neurons is called synapse. The microscopic gap between the endings of two neurons is called synapse. So, synapse. एक न्यूरॉन जहां पे खत्म होता है और दूसरा न्यूरॉन जहां पे स्टार्ट होता है, दोनों न्यूरॉन एक्चुअली ऐसे अटैच्ड नहीं रहता है. ओके एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में नर्व इंपल्स जब प्रोपगेशन होता है एक्चुअली वो एक गैप के थ्रू होता है. दोनों न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उस गैप को कहा जाता है न्यूरॉन. एक न्यूरॉन जहां पे खत्म होता है उसको कहा जाता है प्री साइनेप्टिक नर्व, और दूसरा न्यूरॉन जहां पे स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक नर्व. दोनों न्यूरॉन का साइनेप्टिक नर्व के बीच में जो एक गैप प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है साइनेप्स, जिसके थ्रू नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में प्रोपगेट होता है. अब साइनेप्स जो होता है दो तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स. साइनेप्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स किसको कहा जाता है? जब दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप 0.2 नैनोमीटर होता है, दोनों न्यूरॉन्स के जो एंड मेम्ब्रेन दोनों नॉब के बीच में जो गैप जब 0.2 नैनोमीटर होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स,
एंड दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप जब 20 नैनोमीटर होता है, जो कहा जाता है केमिकल साइनेप्स। Here we can see how nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through synapse. Synapse is made up of a presynaptic knob and a postsynaptic knob. And presynaptic knob and postsynaptic knob is separated by a microscopic gap named the synaptic cleft. So how through synaptic cleft nerve impulse is transferred? The presynaptic membrane is opened through voltage-gated calcium channels, and voltage-gated calcium channels help the secretion of neurotransmitter molecules like acetylcholine. The acetylcholine receptors are present on the postsynaptic knob, which receive the acetylcholine. And these gates are opened through the sodium pumps, and when enough sodium pumps are opened, the action potential is changed. And सो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है, ये साइनेप्स के थ्रू नर्व इंपल्स बहुत फास्ट होता है। द फ्लोइंग स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स इज फास्टर इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स थ्रू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स देन केमिकल साइनेप्स, क्योंकि केमिकल साइनेप्स में गैप थोड़ा ज्यादा होता है और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में गैप बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कोई मीडिएटर का जरूरत नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो नर्व इंपल्स होता है तो डायरेक्टली एक मेम्ब्रेन से दूसरा मेम्ब्रेन तक फ्लो हो सकता है, क्योंकि गैप बहुत ही कम होता है। लेकिन केमिकल साइनेप्स दोनों के बीच गैप थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण यहाँ पे मीडिएटर का जरूरत होता है, जो कि नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में ट्रांसफर करके ले जाए। तो मेनली हम लोग यहाँ पे जो साइनेप्स के बारे में पढ़ेंगे वह है केमिकल साइनेप्स। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोग देख लेंगे। ये एक न्यूरॉन का एंडिंग है, यहाँ पे नर्व इंपल्स इस डायरेक्शन में यू डायरेक्शनली फ्लो हो रहा है। तो ये न्यूरॉन का जो एंड है, ये जो कप लाइक पोर्शन, इसको कहा जाता है प्रीसाइनेप्टिक नॉब। और यहाँ पे भी जो बल्जिंग पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा न्यूरोन स्टार्ट हो रहा है, उसको कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। प्रीसाइनेप्टिक नॉब का जो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कहा जाता है प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और पोस्ट साइनेप्टिक नॉब का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, तो कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो प्रीसाइनेप्टिक नॉब में रहता है प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और पोस्ट साइनेप्टिक नॉब का जो एक्सट्रीम पोर्शन है, उसको कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो गैप है दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, ये जो गैप देख रहे हैं हम लोग, इस गैप को कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। CLEFT क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि दोनों न्यूरॉन के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है,
लगभग 20 नैनोमीटर जैसा जगह खाली है, तो इस खाली जगह से जो गैप्स है इलेक्ट्रिसिटी को नर्व इंपल्स को एक जैसे दूसरी जगह में कैसे लिया जाएगा। चलिए ये गैप बिल्कुल खाली नहीं रहता है, ये गैप एक फ्लूइड से फील्ड होता है जिसका नाम होता है न्यूरोह्यूमर। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज फील्ड विथ न्यूरोह्यूमर। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ वेसिकल्स देखने को मिलता है हम लोगों को। वेसिकल्स में कुछ बोरा, कुछ पैकेज, कुछ बैग जो कि भरा हुआ रहता है कुछ केमिकल कंपोनेंट से जो कि नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करके कैरी करके ले जाएगा प्री साइनेप्टिक नॉब से पोस्ट साइनेप्टिक नॉब तक। तो इसके अंदर जो केमिकल्स होता है उसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स सो वेसिकल्स आर फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल एक्चुअली जब नर्व इंपल्स आके यहाँ पे पहुंचता है ये जो वेसिकल्स होता है ये ब्लास्ट हो जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरोह्यूमर में यानी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर इस चार्ज को कैरी करके लेके पहुंचता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स का कुछ रिसेप्टर होता है और ये इस चार्ज न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करता है और उस चार्ज को अंदर भेज देता है। फिर से वो जो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हुआ था फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होकर आगे प्रोपगेट होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आके ट्रांसफर होता है केमिकल एनर्जी में और फिर से जब ट्रांसफर प्रोसेस हो चुका होता है तब केमिकल एनर्जी फिर से कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और नर्व इंपल्स न्यूरॉन का एक्शन या डेंड्रॉन के थ्रू आगे प्रोपगेट होता रहता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो मेनली हम लोग का बॉडी में होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलीन। एसिटाइलकोलीन ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है और एक होता है गाबा, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका फुल फॉर्म है गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड या गाबा। सो एसिटाइलकोलीन एंड गाबा दिस टू आर मेन न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच कैरीज नर्व इंपल्स थ्रू साइनेप्टिक क्लेफ्ट फ्रॉम पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टू प्री साइनेप्टिक नर्व। सो दिस इज द फंडा बेसिक ऑफ साइनेप्स। नाउ जो नर्व का जो एंडिंग होता है वो किस तरह का एंडिंग है, जो साइनस जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का साइनस फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। साइनस एक्चुअली तीन तरह का हो सकता है। एक्सोडेंड्राइटिक साइनस, एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स एंड एक्सोसोमाटिक साइनेप्स। जब एक न्यूरॉन का एक्सन और दूसरा न्यूरॉन का डेंड्रॉन मिलकर साइनेप्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहा जाता है एक्सोडेंड्राइटिक। ओके, एक्सन और डेंड्रॉन दोनों मिलकर जब साइनेप्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहा जाता है एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। और एक्सो एक्सोनिक जब एक न्यूरॉन का एक्सन दूसरा न्यूरॉन का एक्सन के साथ मिलके साइनेप्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कहा जाता है एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स। और एक न्यूरॉन का एक्सन जब दूसरा न्यूरॉन का सेल बॉडी के साथ मिलके साइनेप्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहा जाता है एक्सो सोमाटिक साइनेप्स। साइनेप्स का काम होता है टू कैरी टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन।